चार ईगल आ रहे हैं इधर आसमान में, आपको मैं जूम कर कर दिखाता हूँ। दोस्तों हमने ना अब ट्रैप इस जगह पे लगाया, दोस्तों पहले इस जगह पे लगाया था, लेकिन दोस्तों इस दरख्त में ना काफी ज्यादा जंगली जानवर होंगे, लेकिन हो सकता है कि आज हमारे जाल में ना ईगल आ जाए। तो ईगल देखने के लिए इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखना, हमारे जाल में ईगल फंसने ही वाला है दोस्तों। काफी ज्यादा ऊपर ईगल देखे हैं, तो उम्मीद तो है कि कोई ना कोई ईगल फंस ही जाएगा। पिजन्स को मैंने डाइट वगैरह डाल दी हुई है, और ये देखे हमारी चिली मिली भी अच्छे से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सब पेट्स को दोस्तों खोल दिया हुआ है, अब जल्दी से दोस्तों सुल्तान को भी हम लोग खोल लेते हैं, बहुत ही ज्यादा तंग कर रहा है हमें। तो दोस्तों सुल्तान को भी हमने खोल ही दिया हुआ है। डायमंड दोस्तों मेरे पास आ चुका है, और ये देखे हमारे मुर्गों ने दोस्तों इसको ना प्लेग्राउंड ही बना लिया हुआ है हमारे न्यू केज को। तो ये देखे सुल्तान चिली मिली सारे के सारे दोस्तों इधर ही है, और ये मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। डाइट अभी इनको डाली थी, इन्होंने खत्म कर दिया है, तो अभी दोस्तों इनको फिर से जो है ना डाइट वगैरह डाल देते हैं। ये देखे दोस्तों हमारा चिली जो है ना कितना क्यूट लग रहा है इस वक्त। दोस्तों आज हम लोग अपने पिंजरों की क्लीनिंग करने लगे हैं, यानी कि अपने केजेस की दोस्तों क्लीनिंग करने वाले हैं। तो दोस्तों सुल्तान का केज मैंने बिल्कुल क्लीन कर दिया, ये आप देख सकते हैं। ये देखे कितना ज्यादा कचरा निकला इसमें से, और अब दोस्तों हम ये वाला केज क्लीन कर रहे हैं। ये देखे कितना ज्यादा कचरा है इसमें, और इसके साथ साथ दोस्तों हमने सारे पैट्स को इधर बंद किया हुआ है, फिर दोस्तों इसमें डालकर हम इसको भी क्लीन करेंगे। और ये दोनों केज हमने साफ कर दिए हैं, बिल्कुल क्लीन कर दिए हैं, और अब इस केज की बारी है। तो इस केज को भी दोस्तों जल्दी से ना हम लोग क्लीन कर लेते हैं। ये देखे कितना ज्यादा गंदा हुआ पड़ा है ये केज, तो जल्दी से दोस्तों इस केज को भी क्लीन कर लेते हैं। शाम का टाइम दोस्तों हो चुका है, और अभी दोस्तों हमारे मिनी जू में ना काफी ज्यादा गंद पड़ा हुआ है, ये देख सकते हैं आपके हमारे मिनी जू में काफी ज्यादा गंद है। दोस्तों पिंजरों को तो हमने साफ कर लिया हुआ है, और ये देखें हमने बर्तनों को भी दोस्तों साफ कर ही लिया है, ये अभी साफ किए हैं दोस्तों, एक मिनट के लिए पिंजरे में रखे हैं, और ये देखें क्या हाल कर दिया दोस्तों। बाकी ये देखें इधर से सारा साफ है, और दोस्तों ये जो पिंजरों में से गंद निकला है ना, अब इसकी बारी है साफ करने की, तो जल्दी से दोस्तों इसको भी साफ कर लेते हैं। दोस्तों फाइनली सर हमने अपनी साड़ी की साड़ी छत साफ कर ली हुई है, ये देखें हमने साड़ी की साड़ा मिनी जू साफ कर लिया हुआ है। और ये देखें ये मैंने इसलिए नहीं साफ किया कि अभी मुर्गियों को खोलना है दोस्तों, और ये सारा का सारा चट कर जाएंगी मिनटों में। तो दोस्तों ये फाइनली हमारा आज ट्रैप है जो कि हमारे काम आने वाला है, और ये इधर मैंने ना इधर डाइट वगैरह भी रखी हुई है, जो कि बाहर जंगली परिंदों के लिए हम ट्रैप करेंगे ना, तो उसमें ये काम आएगी। तो दोस्तों जल्दी से अपना ट्रैप दोस्तों रेडी करते हैं, और आज हम ट्रैप लगाएंगे जी ऊपर वाली छत पर। तो दोस्तों इनको जो है खोलते हैं, और फिर चलते हैं हम ट्रैप की तरफ। आज दोस्तों जंगली परिंदे काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं, तो मुझे लगता है आज हमारे हाथ ना कुछ तो लग ही जाएगा। तो जल्दी से दोस्तों इन सबको खोल लेते हैं, ताकि ये भी ना अपनी पेट पूजा कर सके। तो जल्दी से दोस्तों पहले हम सुल्तान को खोल लेते हैं, और ये देखे छोटू गैंग हमटी डमटी सारे इधर ही हैं, तो इनको भी जल्दी से खोल लेते हैं। और अपना डायमंड दोस्तों इसको भी इसको बल के रहने देते हैं, इसको अंदर ही डाइट डाल देंगे। और दोस्तों हम ना अपनी चिली मिली को भी खोल देते हैं, तो चिली मिली यार तुम भी बाहर आ जाओ। ये लो भाई चिली मिली को भी खोल दिया, और डायमंड को दोस्तों मैं अंदर ही डाइट डाल देता हूँ। तो दोस्तों माशाल्लाह से हमने ना अपने सारे पैट्स को डाइट वगैरह डाल दिया, और ये आराम से खा रहे हैं। डायमंड को भी दोस्तों मैंने अंदर ही डाइट डाल दिया, और इधर हमारे ट्रैप के लिए भी दोस्तों हमने ना डाइट डाल दी हुई है। तो जल्दी से दोस्तों अपने ट्रैप का ना सामान पूरा करते हैं, और दोस्तों चलते हैं ऊपर अपने ट्रैप लगाने। आज दोस्तों मुझे लगता है पक्की बहुत ज्यादा उम्मीद है कि हमारे ट्रैप में ना कोई ईगल फंस ही जाएगा। देखिए दोस्तों सारे के सारे ना एंजॉय कर रहे हैं इधर, और अपनी अपनी डाइट खा रहे हैं। तो दोस्तों हम ना फाइनली इधर आ चुके हैं छत पर, और ये हमारा ट्रैप भी दोस्तों आ चुका है इधर, हमने डाइट वगैरह डाल दिया है, और ऊपर दोस्तों हमने ट्रैप लगाना है इस जगह पर। और इधर दोस्तों हम चुप कर बैठ जाएंगे, तो कोई ना कोई परिंदा उम्मीद तो है कि आ जाएगा। ये देखे सारे नीचे मस्त होकर खा रहे हैं, तो जल्दी से दोस्तों अपना ट्रैप एडजस्ट करते हैं, और फिर आपको दिखाते हैं कि कौन सा परिंदा फंसता है। तो दोस्तों हमारा मेन फोकस है जी ईगल की तरफ, हमने ना ईगल को पकड़ना ही पकड़ना दोस्तों। आसमान में कहीं ईगल नजर आ तो नहीं रहा, लेकिन उम्मीद है कि दोस्तों डाइट देकर आ जाएगा ईगल नजर। तो ये दोस्तों इधर हमने ट्रैप वगैरह लगा दिया हुआ है, मैं नीचे जाकर बैठता हूँ, और दोस्तों इंतजार करते हैं कि कौन सा परिंदा हमारे ट्रैप में फंसता है। दोस्तों फाइनली से ना हमारा ट्रैप लग चुका है, ये देखें उधर हमारा ट्रैप लगा हुआ है दोस्तों, और इधर मैं खड़ा हुआ, और ये देखें हमारे सारे परिंदे इधर हैं। तो दोस्तों फाइनली से ना अभी जो है थोड़ा सा वेट करते हैं, कोई ना कोई परिंदा दोस्तों आ ही जाएगा। शाम का टाइम है, तो इस वक्त वैसे भी अपने अपने घोंसलों में ये जा ही रहे होते हैं, तो हो सकता है कि हमारे ट्रैप में भी दोस्तों कुछ ना कुछ आ जाए। तो दोस्तों बैठकर इधर वेट करते हैं। दोस्तों अभी मैं नीचे आ रहा हूँ छोटू गैंग को बंद करने के लिए, क्योंकि बिल्ली का दोस्तों भरोसा नहीं है, तो ये ना हो कि हम ऊपर ट्रैप को देखें और नीचे बिल्ली ले जाए। तो चलो भाई आ जाओ तुम दोस्तों, एक एक कर ना इनको पकड़ना पड़ेगा, और फिर दोस्तों इनको केज में बंद करते हैं, और फिर दोस्तों अपने ट्रैप के पास जाते हैं कि क्या कोई परिंदा फंसा है या नहीं। यार थका दिया इसने ना, ये बड़े वाले चूजे ने दोस्तों बहुत भगाया मुझे। कोई बात नहीं, फाइनली अब ऊपर जाते हैं अपने ट्रैप के पास, वहाँ जाके देखते हैं क्या कोई परिंदा हमारे ट्रैप में आया है या नहीं। तो चलिए दोस्तों ऊपर चलते हैं। ऊपर दोस्तों मैं आ चुका हूँ, और अब दोस्तों देखते हैं कि हमारे ट्रैप में क्या फंसा है। अभी तक तो दोस्तों कुछ भी नहीं फंसा,
लेकिन इधर बैठ कर थोड़ा वेट करते हैं। अभी तो मेरे ख्याल से 10 मिनट भी नहीं हुए होंगे, तो अभी क्या बचना है, वेट करते हैं दोस्तों। वो दोस्तों देखे चीलें आ रही हैं, ऊपर से 4 चीलें आ रही हैं दोस्तों। ये देखे 4 ईगल आ रहे हैं इधर आसमान में, आपको मैं जूम कर दिखाता हूँ। लेकिन ये हमारे ट्रैप की तरफ नहीं जा रहे यार, ये कहीं और जा रहे हैं। हमारा ट्रैप दोस्तों इधर लगा हुआ है और ये जो है ना वो इधर जा रही हैं। ये दोस्तों एक चील आ रही है यार, ये देखे हमारे बिल्कुल ऊपर दोस्तों। उम्मीद है कि हमारा ट्रैप आज कामयाब हो जाएगा। ईगल तो काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं दोस्तों, लेकिन पकड़ा जाए तो बात फिर है। लेकिन कोई बात नहीं, इधर वेट करते हैं। सामने बिल्ली का भी डर है, वो देखे चिली कहाँ हमारा पहुँचा हुआ है हमारे न्यू केज के ऊपर। तो दोस्तों इधर बैठते हैं, वेट करते हैं। मैं मिनी जू से थोड़ा अगर साइड पे आया हूँ तो देखते हैं इधर क्या फंसता है अपने ट्रैप पे। ये लो, एक बात मैं भूल ही गया, हमारे ट्रैप का धागा वो है जो हमने खींचना है और दरवाज़ा बंद होना है। और दोस्तों मैं बैठा हूँ इधर, आप सोचे कि उधर अगर कोई परिंदा आए तो मैं जब उधर जाऊँगा इस जगह पर तो तब तक तो वो उठ जाएगा, तो मुझे बैठना चाहिए इधर। तो दोस्तों मैं उधर बैठता हूँ जल्दी से। देखिए दोस्तों ईगल तो काफ़ी ज़्यादा जा रहे हैं, लेकिन हमारे ट्रैप की तरफ दोस्तों कोई नहीं आ रहा। तो इस बात की दोस्तों टेंशन है, काफ़ी देर हो चुकी है इधर बैठा हूँ, लेकिन ईगल जो है ना काफ़ी ज़्यादा मैंने उड़ते हुए देखे हैं, लेकिन हमारे ट्रैप की तरफ दोस्तों कोई भी नहीं आ रहा। पता नहीं क्या वजह है दोस्तों। देखिए दोस्तों ये बिल्ली जा रही है, और ये बिल्ली अक्सर दोस्तों हमारे मिनी जू में आती रहती है, लेकिन इससे ना आज तक कोई शिकार नहीं किया। ये भी मेरी तरफ यार फेल ही है, ये भी मेरी तरह अच्छी शिकारी नहीं है। तो अब मैंने क्या सोचा दोस्तों, इधर तो कोई परिंदा आ नहीं रहा, तो अब दोस्तों जहाँ पर हमने पहले ट्रैप लगाया था ना, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि दोस्तों हमने ट्रैप उधर लगाया था। तो दोस्तों तब जो है ना वो सुबह का टाइम था, शाम का टाइम नहीं था। अब शाम का टाइम है, तो मुझे लगता है कि अगर हम उधर ट्रैप लगाएंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे, हमें कामयाबी मिल जाएगी। तो दोस्तों अब इस ट्रैप को इधर से पकड़ते हैं और दोस्तों इधर रखते हैं और फिर ट्राई करते हैं, शायद हमारे ट्रैप में कुछ ना कुछ फंस जाए। यार ईगल तो आ नहीं रहे, चलो ईगल नहीं तो कोई और ही परिंदा फंस जाए, लेकिन फंस तो जाएगा मत कम। दोस्तों हमने ना अब ट्रैप इस जगह पर लगाया दोस्तों, पहले इस जगह पर लगाया था लेकिन ऊपर रखा था, तो दोस्तों जंगली परिंदों को ना ऊपर नजर नहीं आता था क्योंकि आगे पत्ते आ जाते थे। तो अब दोस्तों हमने परफेक्ट जगह पर लगाया, इधर जो है ना खुला आसमान है, तो उम्मीद तो है दोस्तों कि अब जो है ना हमारे पास कोई परिंदा फंस जाएगा। तो दोस्तों ये देखें इधर हमने धागा वगैरह लगा दिया हुआ है, और अब दोस्तों हम इधर बैठ जाते हैं और इंतज़ार करते हैं कि कब कौन सा जंगली परिंदा आएगा। मुझे उम्मीद तो है दोस्तों अब हम इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि अब हमने ना ट्रैप बिल्कुल परफेक्ट जगह पर लगाया है। तो परिंदे दोस्तों मुझे कम कम से लग रहे हैं, और मैंने देखा दोस्तों सारे के सारे परिंदे तो इस केज में हैं, और हमारे छोटू गैंग जो कि हमारे सेटअप की रौनक है वो तो बंद है और डायमंड भी बंद है। तो जाहिर इस बात है दोस्तों परिंदे हमारे पास फिर 4 ही बचे, बाकी तो दोस्तों परिंदे भी हम लाएंगे, लेकिन पहले हम जरा ट्रैप लगा लें, ट्रैप में कामयाब हो जाए फिर हम जो परिंदों की तरफ भी जाएंगे। दोस्तों इस दरख्त में ना काफ़ी ज़्यादा जंगली जानवर होंगे, लेकिन दोस्तों हमारे नसीब में पता नहीं कोई है या नहीं। दोस्तों हमने करना क्या है, उनको सिर्फ 1-2 दिन अपने पास रखेंगे, उनकी अच्छे से टेक केयर करेंगे, उसको खिलाएंगे पिलाएंगे और फिर जो है अगले दिन को इनको आज़ाद कर देंगे। दोस्तों यही हमारा एक छोटा सा शौक है जो कि दोस्तों पूरा होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो मैं भी तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक कोई ईगल ना पकड़ा जाए। मैं और पिंडने की बात नहीं कर रहा, जब तक ईगल ना पकड़ा गया मैं दोस्तों हार नहीं मानूंगा, मैं ट्रैप लगाता रहूँगा। और दोस्तों फिलहाल अगर चिड़िया वगैरह पकड़ी गई ना तो हो सकता है उसको हम आज ही आज़ाद कर दें, लेकिन अगर ईगल पकड़ा हुआ ना तो फिर दोस्तों हम उनको कम से कम 1 हफ्ता रखेंगे, उसकी टेक केयर करेंगे और फिर दोस्तों उसको बाय बाय कर देंगे। ये देखे दोस्तों एक ईगल इधर भी जा रहा है, लेकिन दोस्तों ये इधर नहीं आ रहे, पता नहीं को क्या मसला। पहले हमने इधर रखे, इधर भी नहीं आए, फिर हमने जो है वो सामने रखे, उधर भी नहीं आए, फिर हमने दोस्तों इधर रखे तो इधर भी नहीं आए। लेकिन दोस्तों हम हिम्मत नहीं हारेंगे, आपने देखा अगर कितने ज़्यादा ईगल गए हैं ऊपर उड़कर, तो मुझे तसल्ली हो गया कि हमारे मिनी जू के ऊपर से भी ईगल गुजरते हैं। दोस्तों कल मैं इनके लिए स्पेशल वाली डाइट लाऊंगा जो कि ईगल को काफ़ी ज़्यादा पसंद है, मीट लाऊंगा मैं इनके लिए और फिर उस केज में रखूँगा। और दोस्तों दूर दूर से ना जहाँ भी इनको खुशबू सूंघने को मिलेगी ना, ये उसी टाइम हमारे ट्रैप की तरफ आएंगे और दोस्तों आराम से ईजिली पकड़े जाएंगे। शाम का टाइम हो चुका है और दोस्तों आप देख सकते हैं कि अभी तक कोई परिंदा, कोई ईगल, कोई चिड़िया, कोई कौवा वगैरह नहीं आया। दोस्तों हमारे ट्रैप में पता नहीं कोई चीज़ की कमी है ऐसी कि ऊपर से भी ईगल उड़ रहे हैं यार, आगे मैंने आपको इतने ज़्यादा दिखाए हैं, लेकिन दोस्तों हमारी ट्रैप की तरफ कोई नहीं आ रहा। तो इनका कोई हल निकालना पड़ेगा दोस्तों, मीट रखना पड़ेगा हमको, तो फिर जो है ना ईगल भाग भाग कर आएंगे। तो दोस्तों कल मैं जाऊँगा बाजार मार्केट और फिर जाकर ना मैं ईगल के लिए मीट लाऊंगा, और फिर दोस्तों हमारे सामने ट्रैप में दूर दूर से ईगल आएंगे और फिर हम बहुत ज़्यादा ईगल पकड़ेंगे। तो दोस्तों मैंने ना एक चीज़ का हिसाब लगा लिया हुआ है दोस्तों, अगर तुम ईगल को पकड़ना है तो यहाँ फिर उसको चिकन की लालच देनी पड़ेगी या फिर मीट की लालच देनी पड़ेगी, और आज हम ऐसा कुछ लाए नहीं है,
सिर्फ दो तीन दोस्तों बोटियां थी छोटी छोटी जो कि हमने उस ट्रैप में रखी है। तो दोस्तों इसलिए हमारे पास ना कोई बीगल नहीं है दोस्तों, हमारे रैबिट है उसका काम निकल स्टार्ट करना है। तो इंशाल्लाह परसों दोस्तों हम ईगल के लिए ट्राई करेंगे, हो सकता है कि हमें कोई ना कोई ईगल मिल जाए। दोस्तों फिलहाल मैंने ये सोचा कि दोस्तों अपने ट्रैप को बंद कर देते हैं और दोस्तों यही जो है ना डाइट वगैरह ये अपने हम चिकन को डाल देते हैं। तो यही दोस्तों आज का हमें सबक मिला है कि दोस्तों अगर तो ईगल को पकड़ना तो उनको मीट लाजमी देनी पड़ेगी, थोड़ा सा चिकन बस थोड़ा सा खाना है। दोस्तों मुझे डर है कि इसको मैं चिकन दूँ तो दोस्तों ये काटने ना लग पड़े, क्योंकि ये आगे भी बहुत ज़्यादा काटती है ये वाइट वाली मुर्गी। खास तौर पर अक्सर मैं जब दाना पानी डाल रहा हूँ ना तो आपने वीडियोस में भी देखा होगा कि हमारा डायमंड भी काटता है और हमारी ये वाइट वाली मुर्गी भी काटती है। सुल्तान दोस्तों नहीं काटता, अगर इनको चिकन डाला ना तो सुल्तान भी काटना शुरू हो जाना। तो चिकन दोस्तों हम ऐसा करते हैं ऊपर ही डाल देते हैं, अगर किसी ईगल ने खाना हुआ तो खा लेगा, ट्रैप को देखकर वैसे भी वो डर जाते हैं। तो कल हम ज़्यादा मीट लाएंगे दोस्तों इस पिंजरे में रखेंगे तो इंशाल्लाह कोई ना कोई ईगल दोस्तों में पकड़ने को मिल ही जाएगा। हमारी ट्रैप की दोस्तों ऐसी की तैसी फिर गई है और मुर्गियों को दोस्तों कोई टेंशन ही नहीं है। जो थोड़ा सा चिकन बचा था दोस्तों वो मैंने सात वालों की छत पर फेंक दिया हुआ है, वो कोई ना कोई बिल्ली खा लेगी। बाकी दोस्तों जो इसमें दाना और चावल है ये तो हमारे छोटू गैंग और मुर्गियां ही फिनिश कर देंगी। मुर्गियां पकड़ने में दोस्तों हमारा ट्रैप नंबर वन है। दोस्तों जैसे ही डाइट वगैरह ये खत्म करते हैं ना तो जल्दी से इनको बंद कर देते हैं, क्योंकि इस टाइम दोस्तों बिल्ली वगैरह आ जाती है क्योंकि शाम हो चुकी है। पिजन्स को दोस्तों चेक कर लेते हैं, क्या पता इन्होंने कोई एग वगैरह दिया हो। पिजन्स को मैंने डाइट वगैरह डाल दी हुई है। चिली मिली भी दोस्तों अच्छे से डाइट को एंजॉय कर रहे हैं और सुल्तान ऊपर देख रहा है कि क्या सही चल रहा है ना मिनी जू में, सब कोई टेंशन वगैरह तो नहीं है। तो फाइनली सबके ऊपर ना ये कपड़े वगैरह डाल दिए हुए हैं और दोस्तों चिली मिली के ऊपर भी डाल देते हैं हम लोग, पिजन्स के ऊपर भी डाल दिए हैं। तो दोस्तों शाम हो चुकी है, शाम की गाने होना स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी कीजिएगा और हमारे इस चैनल फैमिली को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे कल, अल्लाह हाफिज़।